सर क्या हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी का इस न्यू वीडियो में स्वागत है आज हम लोग आ आ चुके हैं ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र यहाँ के बारे में बताने वाले हैं कि यहाँ क्या, क्या क्या खासियत है क्या क्या चीज़ यहाँ मतलब किस तरह के कोर्स किए जाते हैं आज सारा चीज़ आपको डिटेल में क्लियर करने वाले हैं और हमारे सर इधर खड़े हुए हैं तो सर आप सबसे पहले मेरे जो देखने वाले हैं उसको तो कुछ बोल हाई बोल दीजिए हेलो एवरी वन खूबियाँ मुझ में इतनी नहीं कि किसी के दिल में जगह बना पाएंगे खुबियाँ मुझमें इतनी नहीं कि किसी के दिल में जगह बना पाएंगे, मगर भूलना भी आसान नहीं होगा ऐसा ज़रूर कुछ कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों मैं देवेंद्र मंडल ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन पूर्णिया डायरेक्टर आज आप सबों के बीच भाई साहब के माध्यम से आने का मौका मिला है और ये बताने का मौका मिला है कि ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन क्या है क्या करती है बात मैं थोड़ा पीछे से करूँ पूरे भारतवर्ष में जो ये पूरे दुनिया में जो कोरोना की वायरस की नई नई वेरिएंट्स जो आ रही हैं पहले पहली बार दूसरी बार और ये तीसरी बार फिर ओमिक्रॉन ये सब नए नए वेरिएंट्स पूरे दुनिया में लोग आज त्राहिम आम हैं लोग परेशान हैं और इस कोरोना ने दिखा दिया कि भारत आज स्वास्थ्य के मामले में कितने पीछे है पूरे देश में स्वास्थ्यकर्मियों की कितनी भयानक कमी है ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि भारत में लगभग पैंसठ करोड़ लोग शिक्षित बेरोजगार हैं दूसरा चीज हम लोगों ने ये देखा कि पूरे भारतवर्ष में कितनी बड़ी स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन का एक मजबूत उद्देश्य यह है कि हमारी संस्था पूरे देश भर में मेडिकल लाइन के विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा कोर्स कराने का, का काम करती है जैसे नर्सिंग असिस्टेंट डेंटल टेक्नोलॉजी एनिमल हेल्थ वर्कर फिजियोथेरेपी इस तरह से वैरायटी है हमारे पास कोर्स का इसमें सबसे जो बेहतरीन कोर्स है सी एम एस एन कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स कब से चालू की हमारी संस्था पूर्णिया में अभी छठा महीना पूरा होने जा रही है हमारी संस्था अभी छः महीना कंप्लीट करने वाली है अच्छा, मतलब यहां किस किस तरह के कोर्स किए जाते हैं हमारे पूर्णिया सेंटर पर जो भी कोर्स करवाई जा रही है वह है नर्सिंग असिस्टेंट डेंटल टेक्नोलॉजी एनिमल हेल्थ वर्कर अच्छा, फिजियोथेरेपी ये सभी कोर्स है जो हमारी पूर्णिया सेंटर पर कंडक्ट कराई जा रही है आपका सेंटर यही है कि इसके अलावा कहीं और भी है मेरी संस्था का पूरे भारत वर्ष में प्रशिक्षण केंद्र है अलग अलग शहर में अलग अलग जिले और राज्यों में हमारा प्रशिक्षण केंद्र है ये जो आप जो केंद्र हैं इसका कहीं से मान्यता है क्या जी बिल्कुल मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पूरे देश में इतनी बड़ी कार्य को करने के लिए सरकार से मान्यता की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी बिना सरकार से रजिस्ट्रेशन लिए बिना अथॉरिटी लिए आप एक पान का गला भी नहीं खोल सकते हैं नहीं नहीं बहुत लोग पूछते हैं कि ये संस्था खोला तो इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल लेना चाहते हैं इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार से रजिस्टर है कि नहीं है मैं जब बात आप संस्था के रजिस्ट्रेशन की करते हो तो मैं आपको पूरी बात बता देना चाहूंगा हमारी संस्था भारत सरकार सरकार से रजिस्टर्ड है पंजीकृत है भारत सरकार के नीति नियम से रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से हम लोग रजिस्टर्ड है यानी भारत सरकार के विभागीय अलग-अलग कई सारे रजिस्ट्रेशन को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं पूरे देश भर में स्वास्थ्य संबंधित काम करने का हमारी संस्था के पास लीगल राइट है आज अगर पुर्निया सेंटर की मैं बात करूं माननीय जिला पदाधिकारी को भी हमारा यहां का लेटर गया हुआ है अच्छा एक बात बताइए कि आपको जो क्या तीन कोर्स है तो उसमें क्या क्या आपके फ़ीस हैं एक कोर्स का क्या फ़ीस है मतलब कोई, जी कोई अगर करना चाहे इस वीडियो के माध्यम से तो मतलब अगर कितना, कितना, देखिए मैं बताना सी कोर्स की बात करें तो ये डेढ़ साल यानी अठारह महीने का एक डिप्लोमा कोर्स है इसमें जो है बच्चों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी गायनोकोलॉजी फर्मोकोलॉजी हेल्थ एंड हाइजीन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन प्राइमरी मेडिसिन थ्योरी प्रैक्टिकल सभी चीज को बताया जाता है जिस कोर्स को करने के बाद बच्चे खुद का अपना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोल सकते हैं अपना लेटर पैड बना सकते हैं फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट लोगों को दे सकते हैं एज अ रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर के रूप में समाज में वो हेल्थ के प्रति काम कर सकता है ठीक की बात ठीक की बात ठीक की अगर बात किया जाए मेडिकल लाइन का कोई भी डिप्लोमा कोर्स अगर आप करने जाएंगे श्रीमान जी लाख डेढ़ लाख रुपया आपको प्रत्येक वर्ष का लगता है yes. लेकिन हमारी जो संस्था है इसका ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड द हेल्थ वर्कर थ्रू द हेल्थ एजुकेशन समाज में हेल्थ वर्कर को हम लोग तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने एक एफेडेबल कोर्स फिर रखा कि गरीब से गरीब आ, परिवार का भी विद्यार्थी यहाँ पर एडमिशन ले पाए इसलिए यहाँ पर लाख डेढ़ लाख की बात नहीं है टोटल डेढ़ साल का फी लगता है साठ हजार उसमें भी क्या एडमिशन के टाइम में बच्चों को मात्र पंद्रह हजार दे के वो एडमिशन ले दे सकता दे। है, है। बाकी का पैसा वो अच्छा। इंस्टॉलमेंट यानी किस्त बाई किस्त दे सकता है मतलब आप सारा अगर जो कांटेक्ट दीजिएगा आपको आप जो फोन करेगा तो सारा कांटेक्ट आप उसको बता दीजिएगा मैं हमारे हमारा अपना कांटेक्ट नंबर नंबर है जी, जी, है ऑफिस का हेल्पलाइन मैं मैं इसके दे दूंगा डिस्कशन दे दूंगा जो भी आना चाहे जी, जी। तो मतलब आपसे खुल के बात कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल हर तरह की जानकारी वो हमारे दिए हुए नंबर पे ले सकते हैं तो कह रहे हैं जो इस कोर्स को नहीं कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं जो इस कोर्स को नहीं कर रहे हैं मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर वो कम टाइम में बेहतर कुछ लाइफ में करना चाहते हैं दिस इज ओनली पॉसिबल इन आर एच ओ पूर्णिया आर एच ओ पूर्णिया में ही यह संभव है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं खुद नहीं भारत सरकार का सर्वे करने वाली कंपनी सब बता रही है कि देश में पैंसठ करोड़ युवा शिक्षित बेरोजगार है तो आप जो आई एस सी बी एस सी कर रहे हो या करने वाले हो तो आप आईसी बी एस सी करके आने वाले टाइम में बनने से अच्छा है कि मेडिकल का डिप्लोमा कोर्स करके आप मेडिकल सेक्टर में अच्छा भविष्य बना सकते काम हैं। कर सकते हैं हैं कर जी तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो लोग नहीं कर रहे हैं उसके लिए करना बहुत जरूरी है बहुत ही जरूरी है निहाय जरूरी अच्छा, है अच्छा अच्छा मतलब जैसे हम लोग के इधर होता है झोला छाप डॉक्टर तो वही से रिलेटेड काम कर सकते हैं झोला छाप ही काम कर सकते हैं कि उससे आपके यहाँ का कोर्स लेके उसका जो लेवल है और भी बिल्कुल जब वो देखिए जो कोई बिना प्रशिक्षण के काम कर रहे हैं पहली बात तो वो इलीगल है कानूनी है दूसरी बात जानकारी का अभाव होता है दो चार मेडिसिन के बारे में जान लेने से इंजेक्शन देने सीख गए उससे नहीं। नहीं। उसके बाद सलाइन चढ़ाने सीख गए उससे क्या आप डॉक्टर बन गए क्या फर्स्ट एड का ट्रेनर मतलब फर्स्ट एड का, का काम करने वाले बन गए नहीं उसके लिए उचित जानकारी की जरूरत होती है मानव संरचना को समझना पड़ेगा ह्यूमन बॉडी का क्या एक्शन रिएक्शन है उसको समझना पड़ेगा आफ्टर दैट आप काम कर सकते हैं जो कि हमारी संस्था लोगों को इसी चीज के लिए प्रशिक्षित करती तो है चलिए दोस्तों हमने सर से बात किया और बहुत अच्छा लगा सर ने पूरी जानकारी दी और कहने के वीडियो लंबा हो रहा है तो हम वीडियो को यहीं खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आप क्या कहना चाहे जो लोग वीडियो देख रहे हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा एडमिशन करवाना या नहीं करवाना इट्स अ सेकेंडरी मैटर प्राइमरी मैटर आप इस वीडियो को देख करके हमारे प्रशिक्षण केंद्र पे एक बार जरूर आए एडमिशन आपको नहीं लेना है आप आए और आप ये देखें कि जो चीज़ के लिए लोग पटना कोटा भाग रहे हैं वही एजुकेशन क्वालिटी वैसे टॉप लेवल के ट्रेनर आपको हमारे पूर्णिया में भी अवेलेबल करवाया जा रहा है आर एच पूर्णिया के माध्यम से तो चलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में आप एक तीस सेकेंड के लिए हमारे क्लासरूम को भी विजिट करवा दें और हमारे मैनेजर से भी आप मिलके दो लाइन उनसे भी बात कर लें चलिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं क्लासरूम के तरफ आप आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ किस किस तरह के जो व्यवस्था दी गई है क्लासरूम में तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ देखिए यहाँ बच्चे पढ़ते हैं यहीं आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ सारा व्यवस्था दी गई है देखिए सारा जो कंकाल है इस तरह आपको यहाँ लगाए गए हैं ये देख सकते हैं कंकाल पूरी मतलब जो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल करवा के दिखाते हैं हमारे सर के कि किस तरह का, कंकाल के अंदर क्या क्या चीज़ होती है आदमी के अंदर सारा चीज़ आपको प्रैक्टिकल कर करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सर और इधर आप देख सकते हैं कि इधर यहाँ बोर्ड है और इधर भी देख सकते हैं कि इधर ये प्लास्टिक का बिल्कुल है प्लास्टिक कंकाल के ही तरह है इसमें क्या क्या चीज़ है किस किस तरह के आदमी के अंदर जो औज़ार है उस तरह के होते हैं ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं और यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं अगर एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं तो आप ज़रूर एक बार बात करके देखें आपको सर से बात करके बहुत ही अच्छा लगेगा तो मैं वीडियो को एंड करते हैं अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यहाँ आके ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा तब तक के लिए मिलते हैं जय हिंद